अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ। तो आज है जी मेरे घर पे फिर दावत। तो दावत के लिए ये देखें मैं खाना रेडी करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जी मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखे गैस आ गई थी। मैंने कहा जो जो काम है ना वो अभी अभी सारे ख़त्म कर लूँ। दूसरी साइड मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी के लिए मैंने 3 कप बड़े साइज़ के मैक्रोनी ली है। तो पानी बॉयल होने के लिए रख दिया, उसमें मैक्रोनी डाल दी है और फिर 1 चम्मच भर के मैंने घी का डाल दिया। ऑयल मेरे पास था नहीं तो फिर मैंने ना घी का चम्मच ही डाल दिया। थोड़ा सा मैंने नमक भी डाला इसमें। और दूसरी साइड पे देखे मैंने घी में प्याज डाले हैं, दो तीन तीन प्याज हैं ये तकरीबन ना। तो ये मैं रेडी कर रही हूँ बिरयानी के लिए। तो मैं इसका मतलब सालन जो होता है ना वो रेडी करके रख लूँगी बिरयानी का खाना, क्योंकि अभी शाम को बनना है। तो ये 12 बजे मैं ना ये चीज़ें सारी ना रेडी करके रखूँगी। तो फिर जब गेस्ट आएंगे तो फिर फ़ौरन ये बिरयानी का मतलब चिकन वगैरह रेडी होगा। बस चावल बॉयल करके इसी में डाल लें तो वो ना फिर गरम गरम अच्छे लगते हैं, फिर वो अच्छे नहीं लगते अगर पहले से बिरयानी ना बना के रख लें या चावल या पुलाव कुछ भी। तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि कुछ चीज़ें रेडी करके रख लेती हूँ, कुछ फिर ये जब गेस्ट आते हैं ना तो फिर फ़ौरन ही गरम गरम उनको ना सर्व की जाती हैं, वही अच्छी लगती हैं। यहाँ पर जी देखिए मेरा प्याज ब्राउन हो गया था। फिर मैंने 2 चम्मच भर के लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चें ये पीस के मैंने डाली हैं। और मैं ये चीज़ें फ्रेश ही पीस के डालती हूँ कि मतलब ये नहीं कि पहले से ग्राइंड करके रखी हुई हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने चिकन लिया तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा ही है जी। तो इसमें फिर मैंने 3 फुल चम्मच भर के बिरयानी मसाला के डाले हैं और 1 हाफ चम्मच जो है वो कुटी हुई मिर्चों का डाला है और नमक डाला है थोड़ा सा, मतलब घर के स्पाइसेस भी डाले हैं ना, बिरयानी मसाला तो डाला ही है। और साथ ही मैंने साबुत मसाला डाला इसमें। तो ये सारी चीज़ें दही डालने के बाद इसको हम ग्रेवी सी बना के, आपको पता ही, इसको मैरिनेट करके रख देना थोड़ी देर के लिए। तो बस ये ऐसे ही मैं करती हूँ कि गेस्ट आने होते हैं ना जब ज़्यादा हों, फिर मैं ऐसे ही करती हूँ कि कुछ चीज़ें मैं पहले रेडी कर लेती हूँ कि अगर शाम को दावत है ना तो फिर मैं दोपहर को लाजमी सालन वगैरह मैं दोपहर को बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सालन का इतना इशू नहीं होता। सालन तो दोबारा भी गर्म हो जाएगा। चावल वगैरह शामियाँ ये चीज़ें जो होती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें ना मतलब अच्छी लगती हैं कि जब टाइम पर ही रेडी हो ना। तो यहाँ पे फिर मेरा लहसुन अदरक भी ब्राउन हो गया था। फिर थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसमें ये देखें फिर मैंने चिकन वाला वो सारा जो मसाला लगा के रखा था ना बिरयानी के लिए ये वो है। तो अब इसको अच्छी तरह मैं पका लूँगी। तो ये देखें जी, तो गैस अभी आई थी। फिर मुझे गैस का भी होता है कि फटाफट जल्दी से, अब गैस आ गई तो अब जो जो काम ख़त्म करने हैं ना वो 2 घंटे में कर लूँ। तो बीच में मैंने फटाफट से पहले बच्चों को नाश्ता बना के दिया, क्योंकि अभी छुट्टी थी, छुट्टियाँ चल रही हैं इलेक्शन की वजह से। तो फिर जो नाश्ता भी बनाया, साथ ही मैंने नाश्ते से फ़ारग होने के बाद साथ ही मैंने ना खाना शुरू कर दिया बनाना ना। तो आज ही आ रही है मेरी बेटी की फ्रेंड आ रही है और एक मेरी भांजी है उनके साथ, मतलब तीनों वो फ्रेंड है। तो आज उसने आना था, उसकी दावत की थी मेरी बेटी ने। तो वो तो कह रही थी मामा पिज़्ज़ा मंगवा लेंगे। मैंने कहा बेटा एक तो टाइम नहीं होता पिज़्ज़े का, मतलब 3-4 बजे कहाँ से पिज़्ज़ा मिलेगा। तो कुछ ये है कि मैंने कहा मैं खाना बनाऊँगी, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी फ़ारग ही बैठी हूँ तो हम लोग भी खा लेंगे। पिज़्ज़े का क्या, इतनी दूर से उसने आना है तो एक पिज़्ज़ा खिला के, तो अपने हाथ से काम करें ना वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे बड़ी खुशी होती है ना जब ऐसे कोई गेस्ट आए तो बंदा अपने हाथ से उनको कुछ खाना बना के खिलाए ना। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा घी लिया, तकरीबन 2 चम्मच मैंने घी के लिए, और उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने लहसुन ना क्रश करके वो डाला है, बारीक सा पीस के ना सिर्फ लहसुन डाला है। तो इसका भी आपने कलर बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, तो बस इसका अपने लाइट से कलर देना है ना। साथ ही मैंने ज़ीरा भी डाला है इसमें ना, ज़ीरा और लहसुन, ये देखें दोनों चीज़ें आपने हल्की हल्की सी फ्राई करनी है। तो इससे ना बड़ी अच्छी खुशबू आती है, बड़ा अच्छा इससे फ्लेवर बनता है और बहुत ही अच्छा टेस्ट बना। क्योंकि मैं मैक्रोनी कम ही बनाती हूँ, मेरी बड़ी बेटी ही बनाती है। तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही तकरीबन, आप समझे कि मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ये बनाई है मैक्रोनी। क्योंकि मुझे ज़्यादा होता है कि मैं ये खाना मतलब जो होता है चावल हो गए, सालन हो गए या वैसे चिकन की कोई डिशेस हो गई हो, मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना ये मेरी बेटी को शौक है, बहुत ज़्यादा रेडी करती है ना। तो आज भी मैंने खुद ही किया, मैंने कहा चले मैं आप खुद ही करती हूँ सारा कुछ ना। तो बड़ी ही अच्छी बनी, बल्कि मेरी भांजी बहुत तारीफ़ कर रही थी, कह रही आंटी बहुत अच्छी मैक्रोनी का टेस्ट था, आप मुझे रेसिपी बताएं। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है मैं आपको बता दूँगी। मैं बड़ी खुशी, मैंने कहा आपको अच्छी लगी है, कहते बहुत मज़े की बनी थी। तो यहाँ पे भी जी मैंने बोनलेस चिकन वॉश करके रखा हुआ था, तो फिर वो मैंने इसी ऑयल में फ्राई कर लिया जिसमें मैंने लहसुन और ज़ीरा फ्राई किया हुआ। और यहाँ पे देखें जी फिर मेरा सालन भी रेडी हो गया। तो
जो हम बिरयानी के लिए बना रहे हैं ना, तो वो सालन में फिर ऐसे रेडी करके रख लेती हूँ। फिर शाम को बस ये कि चावल बॉईल करेंगे और इसमें डाल देंगे और जी हमारी बिरयानी रेड हो जाएगी जी, रेडी हो जाएगी। तो देखे ना कितना काम आसान हो गया, कि ऐसे हलचल नहीं हुई कि अब ये भी करना है वो भी करना है। तो हाँ अचानक से गेस्ट आ जाए फिर होता है, तो मुझे तो ये था कि एक रात पहले का पता था ना कि कल आना है, तो मैंने ना चीज़ें वगैरह सारी मंगवा के रखी हुई थी। फिर मैं सुबह सुबह ना ये मैंने बनाना शुरू कर लिया था। और यहाँ पे मैंने जी ली है एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली है और दो गाजरें ली है, तो उनको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया। तो चिकन फ्राई करने के बाद फिर मैंने सबसे पहले गाजरें डाली हैं, क्योंकि गाजरों को थोड़ा सा टाइम लगता है ना, हालांकि मैंने बारीक ही काटी हैं लेकिन फिर भी उनको थोड़ा सा टाइम लगता है। जी गाजरें डालने के बाद थोड़ी देर उनको फ्राई किया, फिर मैंने थोड़े से मटर भी मेरे पास पड़े थे वो भी डाल दिए, फिर उनको हल्का सा फ्राई किया, क्योंकि गाजरें और मटर थोड़ा सा आपको पता ही टाइम लेती हैं, तो बस इनको मैंने पहले डाल दिया था। फिर इसके बाद मैंने जो शिमला मिर्चें काटी थी वो डाली, अब इनको भी हल्का हल्का सा फ्राई करूँगी। तो बस ज़्यादा नहीं, मतलब इनको ये क्रंची सा इनका टेस्ट रहे, ज़्यादा नहीं इनको पकाना कि ये बिल्कुल सालन की तरह ना गल जाए, और ज़्यादा कच्ची भी ना हो कि वो भी टेस्ट नहीं अच्छा लगता। तो ये देखें बस इसको हल्का हल्का सा हिलाने के बाद फिर इसमें मैंने डाला है सिरका, ये थोड़े सॉरी सिरका नहीं सोया सॉस डालने लगी हूँ। तो सोया सॉस के भी मैंने तकरीबन 3-4 चम्मच भर के डाले हैं, दो मैंने ये डाले हैं और 1 चम्मच डाला है सिरके का, क्योंकि सिरका मैं बहुत कम ही डालती हूँ। इसका ना टेस्ट बस ठीक ही है, अच्छा होता है, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास अच्छा नहीं लगता। भी मैं 2 चम्मच सोया सॉस के, 1 सिरके का और तकरीबन 5 चम्मच मैंने चिली सॉस के डाले हैं। मुझे ना चिली सॉस बहुत पसंद है, एक चिली सॉस एक गार्लिक चिली सॉस, गार्लिक चिली सॉस तो मेरी फेवरेट है ना। तो यहाँ पे देखें जी 5 चम्मच मैंने भर के ना चिली सॉस के डाले हैं, तो ये भी डाल के फिर हल्का हल्का इनको भी फ्राई किया। और आँच आपने धीमी ही रखनी है ना, ये देखें कितना अच्छा कलर है, कितना अच्छा फ्लेवर इसका आया। तो ये मैं यहाँ पर ना चेक कर रही थी नमक, तो मैंने कहा थोड़ा सा नमक भी डाल दूँ, थोड़ा सा मैंने नमक डाला और ये ब्लैक पेपर डालिए, और मैंने ना 1 चम्मच चीनी का भी डाला था, वो शायद मुझसे स्किप हो गया या शायद आगे वीडियो में आ जाए, मुझे लगता वो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हुआ। 1 चम्मच मैंने चीनी का भी डाला था। तो बड़ी ही मज़े की मैक्रोनी बनी, ये देखें जी आ गया, मुझे लगा वो मुझसे स्किप हो गया। 1 चम्मच मैंने चीनी का भी डाला इसमें ना, तो इसमें बड़ा अच्छा ना वो खट्टा मीठा सा फ्लेवर आता है। बड़ी मज़े की मैक्रोनी बनी थी, शायद इसी वजह से थोड़ी सी चेंज बनी है। तो मैंने बस एक रेसिपी देखी थी किसी की, फिर मैंने वही उनको ही मैंने ना फॉलो करके वैसे ही मैंने बनाई, तो वो बड़ी अच्छी बनी ना। और फिर यहाँ पे देखें जी 3 कप जो मैंने बॉईल करके मैक्रोनी के रखे थे वो डाल दिए, तो बड़ी ही मज़ेदार बनी थी। अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो आप बना लें, और अगर मेरा बेटा देखेगा वीडियो तो वो तो ज़रूर बनाएगा ना। क्योंकि वो मैं उसी के लिए ये काम करती हूँ कि उसके लिए आसानी हो जाए। कोशिश तो मेरी यही होती है ना कि मैं बड़े इजी इजी तरीके से ना ये करूँ कि चलो वो फॉलो कर ले, वो देखे। तो वो फिर जाहिर सी बात है हॉस्टल में बच्चे खुद ही कुकिंग करते हैं, तो काफ़ी हद तक उसको खाना आ गया बनाना, काफ़ी चीज़ें बच्चे बना लेते हैं वहाँ पर मिल के ना। तो बड़ा ही कहता है मम्मा मज़े की चीज़ बनती है जो भी मैं बनाता हूँ ना। तो मैंने कहा मुझे तो फिर यकीन आएगा ना कि भाई जब आप मुझे खिलाओगे कुछ बना के, कहता मैं इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं आपको कुछ ना कुछ बना के ज़रूर खिलाऊंगा। बस हमारा घर ना रोड पे है, तो अगर रोड की तरफ जो ड्राइंग रूम में बैठूं तब इतनी आवाज़ें आती हैं वहाँ से बाइक वगैरह गुजरने की, अगर बैक वाली साइड पे बैठूं तो दूसरी गली में से आवाज़ें आती हैं। जाहिर सी बात है ये टाइम होता है लोगों के काम का, रद्दी वाले आ गए, फ्रूट वाले आ गए, सब्ज़ी वाले, सब आवाज़ें अगर आपको पीछे से आ रही हों तो। बस यही है कि जाहिर सी बात है जी सब ने अपना काम भी करना होता है, तो बाकी मुझे वॉइस ओवर में फिर बड़ा मसला होता है ना कि कहाँ बैठ के मैं वॉइस ओवर करूँ जहाँ से कोई शोर शराबा ना हो। तो फिर यहाँ पे देखें जी मैंने चिली सॉस डाली है, गार्लिक चिली सॉस, तो ये बहुत ही मेरी फेवरेट है। इससे पहले मैंने केचप डाला था,
तो केचप बस कम था, वो मैंने बस कम ही डाला। तो बाकी ये चीज़ें मैंने सारे डालने के बाद इनको हल्की आंच पे मैंने ना थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो बड़ी ही टेस्टी बनी थी। तो जी मैं बात करी थी अपने बेटे की, तो वो कहता मामा मैं आऊँगा तो मैं आपको इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इस दफ़ा ना बना के ज़रूर खिलाऊँगा। मैंने कहा चलें ठीक है जी, पिछली दफ़ा आप ऐसे ही कह रहे थे, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना जून जुलाई में, वो आता है फिर मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं उससे ना कुछ कहूँ कि हाँ आप मुझे ये बना के खिलाओ। जी तो देखें जी मेरी मैक्रोनी भी रेडी हो गई और मेरा बिरयानी का सालन भी रेडी हो गया। अब आते हैं जी हम लोग शामी कबाब की तरफ। यहाँ पे मैंने लिए आलू, आधा किलो आलू लिए थे, उनको बॉयल करके तो मैंने रख दिया था। और आपने मतलब जब बॉयल हो गया तो आपने कभी भी इनके ऊपर ठंडा पानी नहीं डालना, इसको ऐसे ही छोड़ दें आप नॉर्मल टेम्परेचर पर, तो फिर छिलका इतना अच्छा मतलब उतरता भी है और फिर वो जो हो जाते हैं ना अजीब जूसी से, वो नहीं होते। यहाँ पर जी मैंने देखे एक सब्ज़ मिर्च ली है और सब्ज़ धनिया लिया और सब्ज़ प्याज ली है, ये तीनों चीज़ें मैंने बारीक बारीक काट के वो डाली हैं। और एक चम्मच कुटी हुई मिर्चों का डाला है, सूखा धनिया डाला है पिसा हुआ, नमक डाला है। और मैं आपको एक बात बताना भूल गई कि जब मैंने आलू बॉईल किए थे साथ ही मैंने ना बोनलेस चिकन भी बॉईल कर लिया था उनके, तो वो मैं चिकन ज़्यादा डालती हूँ शामियों में, तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ना शामी कबाब का। तो यहाँ पर फिर देखें जी मैंने चावल बॉयल कर लिए थे, गैस मतलब बंद हो गई है, शाम का टाइम है, सिलेंडर पर मैंने चावल बॉयल किए, तो एक तय मैंने नीचे सालन की लगाई है, फिर उसके ऊपर मैंने चावलों की तय लगाई है, फिर सालन डाला है, फिर तह लगाई है चावलों की, मतलब ऐसे ही ना दो तकरीबन दो तीन तह बन गई थी ना। तो इतनी मज़े की बिरयानी बनी ना अभी, मतलब ये कि मेरे चावल इतने अच्छे नहीं निकले थे इस दफ़ा ना, जैसे मैं मतलब चाह रही थी वैसे नहीं बड़े बड़े हुए, लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा था, बड़ा सबको पसंद आया। फिर ऊपर से मैंने धनिया और पुदीना काट के डाला है, सब्ज़ मिर्चें डाली हैं तो वो डाल के फिर मैंने दम पर रख दिए जी। और मैं बर्तन रेडी कर ली क्योंकि मेरी बेटी की फ्रेंड आई हुई है, तो ये सारे बर्तन मैं निकाल के रखे हुए हैं, मैंने कहा जल्दी जल्दी से सारे काम ख़त्म हो जाएं, फिर शामी कबाब भी मेरे बन गए हैं। तो बड़ा मुश्किल होता है सिलेंडर पे काम करना, अब क्या करें, अब मेरी हर वीडियो में आपको यही नज़र आता है कि मेरा ज़्यादातर काम ना ये सिलेंडर पे ही होता है, तो क्योंकि काम ज़्यादा होते हैं और जो गैस की टाइमिंग है वो बहुत कम होती है, क्या करें, अब फिर ऐसे ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अब तो लगता है कि बिल इतने ज़्यादा आ गए, अब क्या करें। यहाँ पे देखें जी फिर मेरे चावलों का दम मैंने उठा दिया और इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, धुआं इतना अच्छा उठ रहा है, देखें ज़रा। जी तो ये देखें जी मेरा खाना रेडी हो गया, मैंने सैलड भी बना लिया, रायता भी, तो ये है मैक्रोनी, ये है बिरयानी और साथ है जी शामी कबाब, सैलड, रायता, तो सब चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी थी और बहुत ही उन्होंने तारीफ़ की। तो बेटी कहती है कि खाना मामा हमारे रूम में ही दे दें, खाना जी फिर उनके रूम में ही रख दिया गया, तो बहुत बच्चों ने तारीफ़ की, बहुत खुश हुए, बहुत इंजॉय किया। चलें यही होती है ना छोटी छोटी सी खुशियाँ के बच्चे इंजॉय कर लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा वॉच टाइम पूरा होगा। तो वो शाम को जी फिर वो जो केक लेके आई थी बेटी वो हमने खाया, बल्कि मैं कह रही थी आप उसी वक्त खोल लेते खा लेते मिल के ना सारे, बस याद ही नहीं रहा हमें, हम केक भी खा रहे हैं और साथ जी हम लोग देख रहे हैं ड्रामा खई, जो कि जियो पे लगता है, वो सुपर हिट जा रहा है। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग देखते हो खई के नहीं, हम लोग तो बहुत शौक से देखते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, तब तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।